अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। गुड मॉर्निंग। क्या होगा इस मुल्क का? क्या हुआ, बिजली सस्ती हो गई या फिर IMF ने किस जारी कर दी होगी? अरे इतने अच्छे नसीब कहाँ हमारे। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? तो न्यूज़ तो ऐसे देख रहे हो जैसे ये सभी मुअज्जज हो चुके हो। हुआ क्या है, काम की बात करो। बड़ी ईद में चंद रोज रह गए। आयशा और इकबाल भाई ने इतना शानदार बकरा लिया है कि बस। ऊपर से आयशा रोजाना मुझे बकरे की मसरूफियात की पिक्चर भेज भेज कर चलाती रहती। साथ में एक अदद मैसेज होता है, वहां भी आपका बकरा कब आएगा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं 2 दिन पहले चला जाऊंगा बकरा लेने के लिए। तुम्हें संग में आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना पिक्चर्स, दैट्स इट। जी नहीं, मेरा बकरा कल ही आएगा और वो भी ब्रांडेड। क्या ब्रांडेड? ये ब्रांडेड बकरा कौन सा होता है भाई? वही जो किसी बड़े से कैटल फार्म से खरीदा जाता है। कैटल फार्म? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है कहीं? क्या कह रही हो तुम? कैटल फार्म? तुम्हारे दिमाग कुछ ज्यादा चल रहा है क्या? 3 महीने की तनख्वाह चली जाएगी मेरी पूरी। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आयशा से अच्छा बकरा चाहिए बस। आयशा का शौहर KDM में अपर डिवीजन क्लर्क। मैं नहीं, मैं नहीं ले सकता। तो तुम भी तो वाटर बोर्ड में हो। अरे भाई, वाटर बोर्ड में और KDM में फर्क होता है। वो सब मुझे नहीं पता। पानी बंद करो या पानी की बोतल उठाकर बेच दो, मुझे आयशा से अच्छा बकरा चाहिए बस, कह दिया मैंने। पानी की मोटर बेच दो, बकरा लेकर आ जाओ। हाँ फंस गया। बाबा ये वाला बकरा देखो, ये हमने इसका नाम उसे बख्तर रखा है, और ये वाला हमारा दानी है, ये भी बड़ा तेज भागता है। ये देखो ना बाबा, ये हमारा वसीम अकरम है, इसको मक्खन खिलाया है हमने, देसी घी खिलाया है, गरम गरम रोटियां खिलाई है, इसको हाथ रख के दूध पिलाया है। अबे क्या लम्बी लम्बी छोड़ रहा है मालिक। अच्छा कितने दांत है? अरे साईं तुमको क्या, इसको ब्रश करना है, वैसे सारे दांत है। पता तो चले ना यार कितने दांत है। दो दांत गिलाता है, दो दांत कैसा है। सही। अब ये बताओ कि अपना कितना? सही ज्यादा नहीं, इसके सिर्फ 75,000 रुपए। क्या 75,000? इसके 75,000 में अबे गाय मिलती है, क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए क्या यार? 75,000 तुम क्या, तो 75,000 में तुम भी साथ चलोगे क्या? नहीं साईं, हम अगर इसके साथ जाता तो 3.5 लाख रुपए का पड़ जाएगा। चले 10 रुपए का बंदा है तू, 3 लाख रुपए यार छोड़। साईं हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम हमको जलील कर रहे हो। अच्छा यार ये बता, वो अपना मेरी रेंज जो है ना वो 10,000 है बस, इस पे करवा दे यार फिर। अरे 10,000 रुपए साईं तुम रहता किधर है? मैं इधर यहीं डाका ना। डाका ना, एक काम करो ना साईं, सीधा निकलो, मेन रोड आएगा, उसके बाद उल्टे हाथ पर मुड़ोगे फिर एक मेन रोड आएगा, वरना की सीट में निकलो डाक खाना आएगा, निकलो घर को। अरे क्या यार मजाक कर रहा है यार। अच्छा एक काम कर, 20,000-25,000 इसमें करवा दे यार। 20 साई एक है हमारे पास, आखिरी पीस बचा है तुम्हारे मतलब का 20,000 में इधर आ। बात अरे है भाई, है साई ये है छोटा डोन 20,000 रुपये में। यार ये तो मजाक कर रहे हो यार, ये इसको लेके जाऊंगा मैं, ये इसको क्या पहले के मैं क्या अगले ईद में काटती है?
अरे साईं, इसको 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन हमने इसको छुपा के रखा है। ये भी हमारे जिगर का टुकड़ा, इसके सींग देखो यार। मजाक, इसकी तो कुर्बानी भी नहीं होगी यार। मजाक कर रहे नहीं साईं, तुम इस पैसे दे दे यार। भाई बड़ा सही यार शार है, कहाँ से आया है? नीपुर कहाँ से आया हूँ? अबे इधर आ, इधर आ, बात सुन मेरी, इधर आ। हाँ भाई बोलो बोलो, क्या बात है? अबे क्यों तंग कर रहा है बेचारे को? अबे ये कपड़े किसने पहना दिए तुझे? मेरी नई मालकिन है, बहुत अच्छी है, नहला दिला के तैयार करवाया मुझे, ये नए कपड़े पहना दिए मेरे। तुम मजे हैं, मजे मजे हैं मजे। अबे कुर्बान होने से पहले सबके साथ यही होता है मेरे भाई, जेवा होने वाला है तू। भाई क्या जवानी में सटिया गए हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अबे जीतू सही कह रहा है, तेरी बोटियां बनने वाली है। हाँ हाँ जीतू, तेरी काल उतरने वाली है, बताना कट्टू इसे। अबे ये मीरपुर खास से आया है, जरा देर से समझेगा। जीतू तू जिबा होने वाला है। अबे मारूंगा तुम सबको, मुझे मजाक पसंद नहीं है, बकवास बंद करो तुम लोग। तेरी अबे 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 छोड़ इसको। या अल्लाह ये सब क्या कह रहे हैं? क्या मतलब मैं जिबा होने वाला हूँ? अबे चल क्या रहा है? वो छोड़ना तू खाना खा। जी तो तू जिबा होने वाला है। या अल्लाह बचा ले मुझे। इंसान बन गया, बच जाएगा। अबे जीतू तू जिबा होने वाले। इंसान बन जा, बच जाएगा। या अल्लाह मुझे बड़ी जवानी में कुर्बान नहीं होना, मुझे इंसान बना दे। अभी मैंने देखा ही क्या है। अबे ये सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है, अच्छा खासा खुश था मैं। ये सही कह रहा है, इसको क्यों मार रहा है? चुप करो, मुझे सोने दो। अभी तो किसी अच्छी बकरी से सेटिंग भी नहीं हुई, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। आए मुझे मरना नहीं है, या अल्लाह इंसान बना दे मुझे। अरे इसका तो डर के मारे पेशाब ही निकल गया। इंसान बना दे या अल्लाह, मुझे नहीं मरना, मुझे जिबा नहीं होना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मुनीर मैं भला क्या सोच रही थी कि एक रान भिजवा देंगे हम अपनी अम्मी की तरफ, एक रान रोज करवा लेंगे एक दस्ती भाईजान की तरफ और एक मेरी बहन की तरफ, ठीक है ना? That's good. तो फिर एक काम करते हैं ना, वो जुड़ी जो है वो मैं अपनी अम्मी क्या भिजवा देता हूँ और आंतड़ी आंतड़ी अपनी बहन क्या भिजवा देता हूँ, क्या ख्याल? अरे यार इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात है, अपनी अम्मी की तरफ तुम चांपे भिजवा देना और आयशा की तरफ हम सिर्फ भिजवा देंगे, बस अब तो खुश हो ना। इस तरह नहीं होता। और ये बकरा क्यों शोर कर रहा है यहाँ पर? जाके चेक करो मुनीर, बकरे को कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं हो गई? नहीं अच्छा, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैं इसको अभी सिविल हॉस्पिटल लेके जाऊं। व्हाट डू यू मीन? ए यार कोई इसे चुप करा दे। अच्छा ये बताओ तुम मोहल्ले वालों को क्या बांटोगे? हैं क्यों, क्या जरूरत है? सभी ने कुर्बानी की होगी, सभी के घर गोश्त होगा, क्या जरूरत है भला? जाहिर है मोहल्ले वालों को शामिल करना पड़ता है, दोस्तों क्या जाएगा, रिश्तेदारों क्या जाएगा, गरीबों क्या जाएगा, या फिर तुम अकेले खा लोगी? मुनीर मेरी एक बात याद रखना, रानों पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी, समझे तुम? रानों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चापों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और कॉम्प्रोमाइज होगा तो सिर्फ आंतोड़ी और ओजड़ी पे होगा। हो गई मेरी ईद, इसकी तो होगी ना होगी, मेरी ईद हो गई।
अरे यार इससे चुप करो, अभी काट दूंगा मैं इसको। इंसान बना दे यार, मुझे नहीं मरना, मुझे जिबा नहीं होना। मेरा यहाँ बंद हुआ था बकरा का। कौन चमक गया मेरा बकरा? कौन चमक गया मेरा बकरा? अबे यहाँ बंदा हुआ था मेरा बकरा, कौन चला गया यार? मालिक मैं आ गया मालिक। अबे तू कौन है मालिक? तेरे गले में मेरे बकरी की घंटी क्या कर रही है? मालिक मैं जीतू, जीतू आपका जीतू। तू सही बता, मेरा बकरा तूने चुरा? मैं हूँ, मैं इंसान इंसान बन गया हूँ मालिक। क्या फंदी? तू बता ना कि मैं जीतूँ। बेटा मैं अभी पुलिस को लेके आ जाऊंगा। सही बता, मेरा बकरा तूने चुराया? अली ये कहाँ की घास है? पुलिस ये घास नहीं है, ये कांटा है। वैसे चुभेगा ना इतना दर्द होगा कि किसी को बता नहीं पाएगा। चल निकल, चल चल चल। ओए बंटू तूने बताया क्यों नहीं बताने मालिक को कि मैं जीतूँ? नाराज है? हाँ ऐसा ही सब, मेरा बकरा खो गया है। क्या ऐसा जो सबकी गाय चोरी हो गई? अबे तू गया, अबे तू गया नहीं अभी तक? इसकी तो कहाँ जाऊं मैं, बकरा कहाँ ढूंढू? शैला 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 क्या हो गया है भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या पेट्रोल के पैसे फिर से बढ़ गए? अरे उससे भी बड़ा मसला हो गया यार। क्या हो गया, कुछ बताओगे भी? अरे बकरा गुम हो गया है यार, हमारा बकरा नहीं है। बकरा गायब? नो भला उसने ऐसे कौन सी ट्वीट कर दी जो बकरा ही गायब हो गया? मैं मजाक नहीं कर रहा, जाके देख लो गायब है। मैं मर गया अम्मी जी, मेरा बकरा। मुझे मुझे बता तुमने उसका डेसे क्या नहीं रखा होगा इसलिए गायब हुआ वो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चौकीदार था क्या उस बकरे का? देखो मुनीर मुझसे पुलिस वालों जैसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता 75,000 का बकरा, हाय मेरे नाम रोज बारी मेरी नहीं बकरे की। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारी बहन की साजिश है, उसने गायब करवाया हमारा बकरा। यार बकवास बंद करो यार, वो क्यों करेगी और कैसे करेगी वो? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है इस साजिश के पीछे उसी मृगी सुंडी का हाथ है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बकरा चाहिए या मुझे नया बकरा दिलवाओ बस। और तुम्हारे पास ना बस 2 घंटे हैं समझे? नया बकरा लाके दो, पुराना वाला कैसे लाया हूँ वो तो मैं जानता।
महलक। कहाँ ढूंढूं? बातें कहाँ जाएगा? अरे बाबा कोला रे कोला, शर्म करो बाबा। पुराना मालिक, पुराना मालिक मैं आ गया, मालिक मैं आ गया। मालिक मैं किसको बोल रहा भाई? कौन है मालिक? किसको बोले जा रही है बार बार? मालिक मैं जीतू जीतू मैं जान गया बाबा। अरे बाबा दुआ करो, हमारा बकरा बिक जाए। 15 दिन से एक बकरा नहीं बिका है। मालिक अभी तक इलाज नहीं कराया। मालिक मुझे भाइयों से बात करनी है। बाबा कौन से भाई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साईं। ये मेरे सारे भाई है ना, वो देखो, वो कट्टू और वो डट्टू, वो कट्टू भी है। साईं नाम तो तुम ठीक ले रहे, करो बात करो। भाइयों आओ, करीब आओ, मेरी बात सुनो। मैं हूँ आपका अपना भाई जीतू। जीतू मैं, आ जाओ सब, आओ मेरी बात गौर से सुनो। आज से पहले जिस सच्चाई का मुझे भी नहीं पता था कि ये इंसान जो प्यार दिखा रहा है इसका मकसद है। ओ भाई, ये तो हमारे बकरे भी इसकी बातें गौर से सुन रहे। बाबा पोछी भी हंसती है, अब गद्दू आ दिए, इंशाल्लाह शाम तक सारे बकरे बिक जाएंगे। डरो नहीं, अब तुम्हारा भाई जीतू तुम्हें बता रहा है। डरना नहीं है, हैं? डरना नहीं है, बता रहा हूँ, डरो नहीं। तुम्हारा भाई भाई जीतू बता रहा है कि डरना नहीं है। ये इंसान हमें घास भी खिलाता है और हमारे घरों में चूड़ियां भी फेंक देता है। कब तक चलेगा ये? हैं? बता, बता दे तू कब तक चलेगा? हैं? नहीं ना, सही बात, ये बात सही नहीं है। तुम लोग अपनी रशिया सुनवाओ और भाग जाओ। बाबा साहिब पागल साहिब हो गए। अरे तू कुछ कर पारू उत्तर यहाँ से पागल तुम्हें कुछ भी करे। अरे उत्तर भागो, तू भी सुन, तुम्हें भाग जा। हम तेरे को तोड़ के रख देगा, तू रस्सी की बात करता है। चले निकल, आजादी हासिल करो, करो मार जाओ, भागो। बोलता भाग जाओ वरना सर फाड़ दूंगा तेरा। भाई ये क्या देख रही हूँ मैं, क्या हुआ है? अरे भाई दुश्मनों की नजर लग गई, और क्या होना था? अपनों की नजर भी भला लगती है भाभी कभी। अरे बहन अपनों ही की नजर लगती है, तुम क्या जानो? किस पर शक है आपको? साफ साफ बताएं, जिसकी नजर लगनी थी लग गई। है कुछ अपने ही जिनसे हजम ना हो सका हमारा बकरा और ले उड़ा। अब पहेलियां मत बुझाएं भाभी, बता दें। यार खुदा के वास्ते तुम दोनों आपस में लड़ना बंद कर। मुनीर मुझे नहीं, अपनी इस काली नजरों वाली बहन को समझाओ, जिससे इतना भी नहीं पता कि भाभी की किस तरह इज्जत की जाती है, समझे? भाई देख रहे हैं आप, आपकी बीवी की नजर में ये इज्जत है आपकी बहन की। तुम लोग आपस में जब मिलते हो तो जिंदगी क्यों उड़ाते हो आपस? हाँ तो मुझे ही कहना बस।
हेलो तुम मैं वाह क्या चेहरा है ओ मिर्पुर का मेरे को आज क्या बकरे बकरिया नहीं क्या नहीं क्या मुंह क्या अंदाज पाए तुम वाह तेरे भाई को तारे इलाके के मानते कि क्या मुंह है मेरा नाम शेख नवीद है मैं एक बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर और तुम्हारे जैसे बकरों को तुम्हारे जैसे हसीन नौजवानों को फिल्मों में चांस देता हूँ मैं जीतू तुम्हें पहचाना कैसे इन आंखों में लेंस फिट मिस्टर क्या काम है मैं तुम्हें अपनी फिल्म में चांस दूंगा एज एन हीरो फिल्म क्या है अरे मेरी फिल्म भाई बकरे की माँ कसाई का छुरा जी तुझी माँ जबरदस्त तो चले फिर मेरे ऑफिस अब इस तरीके से परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना कोई हल तो सोचा होगा आप लोगों ने इंस्पेक्टर साहब की कॉल हेलो सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर साहब जी सर जी जी सर जी जी अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ थाने आ जाता हूँ ओके इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलाया मुझे हाँ हाँ तो जाओ ना फिर जाता हूँ देता हूँ कोई अच्छी खबर हो भाभी क्या हुआ है क्या क्या अरमान थे एक रान अम्मी के यहाँ एक रान रोज सभी अरमान खाक में मिल गए वैसे ऐसा नहीं होता कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है वरना ऐसे बकरे थोड़े गायब होते क्या चक्कर हो सकता है भाभी कोई ना कोई चक्कर हुआ है तो बकरा गायब हुआ है ना ऐसे थोड़ी हो सकता है भाभी आप कह रहे हैं और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जादू जंतर मंतर कुछ तो किया है जिसकी वजह से बकरा गायब हुआ है आशा ये जादू टोने वाले काम में सिर्फ तुम आ रही हैं भाभी वैसे एक बात मैं आपकी मदद करना चाह रही हूँ और आप मुझ पे शक कर रहे हैं एक बाबा है वैसे है आशा वाकई टिकटॉक सिंगू वाली बाबा मैंने सुना है भाभी कि उनके दम दुरूद से बड़े बड़े खोए हुए बैल और बकरे भी वापस आ जाते हैं वाकई आशा तो सच कह रही है मेरी बहन हाँ मैं सच बोल वाकई ये टिकटॉक सिंगो वाली बाबा मेरा बकरा वापस ला देगी ना हाँ मैं सच कह रही हूँ अभी मैं उनको कॉल करूंगी और देखें आपका बकरा कैसे वापस क्या वाकई मेरा बकरा वापस आ जाएगा ना हाँ अभी आप देखें मैं कॉल करते हैं कर ना जल्दी हाँ टिकटॉक सिंगो वाली बाबा हाँ मेरा भाभी का बकरा खो गया है अरे आप तो चुपते नहीं बात पकड़ने हाँ जल्दी मिल जाएगा तो कब कब जाने चलते ये कौन है यही तो है हमारी कहानी के हीरो जीतू जी ओह
वाओ, इतना हसीन हीरो। ये हसीन बकरी। बकरी? अरे खत्म करो ना बात को, थोड़ी देर में हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे और तुम जीतू जी को रिहर्सल भी करवाओगी और समझाओगी। ठीक है, मुझे क्या करना है? समझाना है आपको सीन। हाँ समझाओ। अरे हाँ सब मिलेगा। अब मेरी बात गौर से सुन, हमारी कहानी का जो हीरो है मेरा बकरा फिर वादे वापस। बकरा गायब हो गया। यासिंग नवली बाबा मेरा बकरा दिलवा दे।